दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल टारगेट हिस्ट्री 19 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जैसा कि ये जो वीडियो सीरीज़ चल रही है, ये पूरे हमारे हिस्ट्री ऑप्शनल की मैपिंग की सीरीज़ चल रही है। इसका पहला इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने बना दिया है और उसके बाद रेफरेंस लाइन वाला वीडियो भी मैंने बना दिया है। अब देखिए, उसके आगे बढ़ते हैं हम। मेनली हमारा काम क्या है इस मैपिंग में, हमें कुछ स्थल दिए जाते हैं, वो पाषाणकालीन, ठीक है, वो आपके गुप्तकालीन, मौर्यकालीन कुछ भी हो सकते हैं, उनको हमें पहचानना होता है। तो इसी क्रम में जो पहला वीडियो है हमारा, वो होगा पूर्व पाषाण काल के स्थल, ठीक है। तो अब देखिए, आपको क्या करना है, ये ब्लैंक मैप जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर इस पर आपको रेफरेंस लाइनें खींचनी है, ठीक है। अब ये रेफरेंस लाइनें कैसे खींचनी है, इसके लिए आप मेरा पहला वीडियो जो कि रेफरेंस लाइन के नाम से है, वो देखिए और वो रेफरेंस लाइन आप खींचिए, ठीक है। अब देखिए, उस रेफरेंस लाइन में यहाँ पर आपके लिए मैंने पहले से एक रेफरेंस लाइन खींच के बनाया हुआ है। देखिए, उस वाले रेफरेंस लाइंस वाले वीडियो में हमने इनको नंबर दिए थे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब आपको क्या करना है कि इसमें नंबर नहीं देना है और रेफरेंस लाइन आपको खींच लेनी है, ठीक है। अब देखो, उसके बाद क्या करना है कि हमें जो टोटल पूर्व पाषाण काल के स्थल हैं जो मोस्टली यूपीएससी में पूछे जा रहे हैं, उन सब के नाम को लेना है और इसमें हमें उन्हें लोकेट करना है, ठीक है। तो देखिए, जो सारे स्थल है वो मैंने एक पेज पे लिख लिए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, ये है आपका पूर्व पाषाण काल के स्थल। इसमें जो सबसे पहला है वो है आपका संगाव, ठीक है, दूसरा है आपका मेहरगढ़, तीसरा आपका रोहिणी हिल, चौथा होकरा, पांचवा पुष्कर, छठा मोगारा, सातवा जालोर, आठवा बागोर, नौवा महादहा, दसवा बेलन नदी या घाटी। देखिए, जो पांचवा है पुष्कर, इसको बूढ़ा पुष्कर के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो दसवा है बेलन नदी, इसको बेलन घाटी के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे देखिए, ग्यारहवा है आपका वीर भानपुर, जिसको वीर भानपुर भी कहा जाता है। बारहवा है आपका भीम बेटी का, तेरहवा आपका आदमगढ़, चौदहवा है आपका लंगनाज और पंद्रहवा है आपका नेवासा, सोलह आपका चिरकी, सत्रहवा आपका रेणुगुंटा, अट्ठारहवा गुड़ियाम गुफा और उन्नीसवा है आपका टेरी स्थल। तो आप देखिए कि टोटल यहाँ पर 19 ऐसे स्थल हैं पूर्व पाषाण काल के, ध्यान रखिएगा ये भारत के संदर्भ में है, तो ये टोटल 19 स्थल ही बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और इन्हीं को आज हम क्या करेंगे, हमारे मैप पर लोकेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए, रेफरेंस लाइन खींच के आपने पूरा मैप तैयार कर लिया होगा। अब हमें क्या करना है कि जो पहला, सबसे पहले तो आप क्या काम कीजिए कि इस मैप पर ही उन 19 जगहों के नाम लिख लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो हम इसको नाम दे देते हैं पूर्व पाषाण काल, ठीक है, ये आपका 10,000 ईस्वी पूर्व तक था, ठीक है। अब ये ईस्वी पूर्व और ईस्वी सन क्या है, इसके लिए मैं, आप मेरा पहला इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि क्या चीज है ये। तो ये जो पहला मैप है, ये है आपका पूर्व पाषाण काल का। अब जो हमने 19 स्थल लिखे थे जो कि इस पे लिखे हुए हैं, उनको हमें क्या करना है, इसी मैप पे लिखना है। देखा, ऐसा क्यों करेंगे हम, ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि क्या होता है कि अब ये पेपर आपका अलग रहेगा, मैप अलग रहेगा, तो ऐसे क्या है, मेमोराइज करने में दिक्कत होती है। अगर इन्हीं नामों को हम इस मैप में लिख लेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारे लिए इजी हो जाएगा, यानी स्थल भी एक जगह मिल जाएंगे और नाम भी एक जगह मिल जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला यहां पर लिख लेंगे हम, पहला है हमारा संघाव, ठीक है, यहां पर लिखते हुए चलेंगे, संघाव हो गया,
दूसरा आपका मेहरगढ़, ठीक है, मेहरगढ़। तीसरा आपका रोहिणी हिल। चौथा हो गया आपका होकरा, ठीक है, होकरा होकरा। पांचवा हो गया आपका पुष्कर, ठीक है, जिसको बूढ़ा पुष्कर के नाम से भी जाना जाता है। छठा आपका हो गया मोगारा, मोगारा, ठीक। सातवां मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सातवां है आपका जालोर, ठीक है। आठवां हो गया आपका बागोर, ठीक। नवा हो गया आपका महा दहा, और दसवां हो गया आपका बेलन घाटी। ये 10 हमने यहाँ पे लिख लिए, बाकी के बचे हुए चूंकि यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं। देखिए 11वां था आपका वीर भानपुर, वीर भानपुर, ठीक है। 12वां आपका भीम बेटी का, अगर आपको यहाँ साफ नहीं दिख रहे हो तो जो पहला पेज मैंने दिखाया था वहां से आप लिख सकते हैं इनको, आदमगढ़। 13वां हो गया आपका आदमगढ़, ठीक है। 14वां हो गया आपका लंगनाज, लंगनाज। 15वां आपका हो गया नेवासा, ठीक है। 16वां हो गया आपका चिरकी। 17वां हो गया आपका रेणुगुंटा, ठीक है। 18वां हो गया आपका गुड़ियाम गुफा, 18वां क्या है, गुड़ियाम गुफा। और 19वां हो गया आपका टेरी स्थल, टेरी स्थल। तो देखिए ये आपके पूरे के पूरे 19 स्थल हैं जो मैंने इसमें लिख दिए हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि 19 स्थलों को एक बार फिर से पढ़ लेना है, मैप में ही आपको इनको लिख लेना है। अब इनको क्या करेंगे, धीरे धीरे एक एक को लोकेट करना शुरू करेंगे जैसा कि एग्जाम में आता है, और इन रेफरेंस लाइन का क्या यूज है ये भी हम जानेंगे। देखिए जो सबसे पहला स्थल है वो है आपका संघाव, ठीक है, पहला। अब देखिए संघाव कहाँ पर है, ये आप देखेंगे, ये वाला जो एरिया है उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, ये पाकिस्तान का एरिया है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको। तो इसके पास यहीं पर थोड़ा सा घुमावदार जो है यहां पर है आपका एक, और एक का नाम क्या है, संघाव, ठीक है। इसी तरीके से हम सबको लोकेट करते चलेंगे। दूसरा है आपका मेहरगढ़, ठीक है। तो दूसरा मेहरगढ़ कहाँ पे, देखिए ये वाला एरिया दिख रहा होगा आपको, ठीक, ये बलूचिस्तान है पूरा। यहां पर ये जो घुमावदार नीचे की ओर है, ठीक इसके यहां पर आपका 2 नंबर पॉइंट है, ठीक है, इसको दे दिया हमने 2 नंबर। अब आपका है रोहिणी हिल, तो ये रोहिणी हिल इसके ठीक नीचे इसी बॉक्स में, यहां पर आपका ये है 3 नंबर, रोहिणी हिल, ठीक है। तो एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया। अब देखिए 4 नंबर है आपका होकरा। अब ये 4 नंबर कहाँ पे आएगा, देखिए ये वाला जो आपका ट्रायंगल है, इसी ट्रायंगल में यहाँ कोने से थोड़ा सा नीचे ये 4, देखिए ये जो बिंदु लगा रहे हैं हम, ये एग्जैक्ट पोजीशन नहीं है क्योंकि ये तो एक क्षेत्रफल था। जैसे बात कर लेते हैं मेहरगढ़ की, ठीक, मेहरगढ़, मेहरगढ़ क्या है, एक एक स्थल का नाम है। स्थल कैसा होता है, क्षेत्रफल में फैला हुआ होता है, तो ये एक बिंदु से उस क्षेत्रफल को डिनोट नहीं किया जा सकता ना, इसलिए थोड़ा सा 19-20 इधर उधर ये चलता है, लेकिन फिर भी मैंने एग्जैक्ट इसको बताने की कोशिश करी है। तो अगर यहाँ पर अगर बिंदु आ जाए तो आपको क्या पहचानना है, मेहरगढ़। इसी तरीके से चौथा आपका होकराम ने लगा दिया। पांचवा है पुष्कर, जो कि इसी के नीचे लाइन के पास में ही आपका यहाँ आ जाएगा, पांचवा पुष्कर, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए मोगारा पे, तो ये हो गया आपका, ये जो पांचवा पॉइंट है इसके पास वाले ट्रायंगल में, यहाँ पे 6 नंबर आपका हो गया मोगारा। उसके बाद है आपका सातवां जालोर, इस 6 नंबर पॉइंट के ठीक नीचे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर है आपका जालोर, ये 7 नंबर पॉइंट। उसके बाद है आपका बागोर, बागोर क्या है, इसके पास वाले ट्रायंगल में यहाँ पर 5 के इस तरफ राइट साइड में 8 नंबर पॉइंट है, ये है आपका बागोर। उसके बाद आप आ जाइए नवा महादहा, देखिए महादहा जो है वो आपके इस वाले पोर्शन में, ठीक है, यहाँ पर, ठीक यहाँ पर है आपका
नौ नंबर पॉइंट। उसके बाद है आपका बेलन नदी या बेलन घाटी, ये बहुत पूछा जाता है, तो ये है जस्ट इस नौ नंबर पॉइंट के नीचे, यहाँ पर 10 नंबर पॉइंट बेलन नदी। फिर है आपका बीर भानपुर। अब ये बीर भानपुर कहाँ है, देखिए ये आपका पश्चिम बंगाल का इलाका, यहाँ पर जो ये घुमावदार है इसके थोड़ा सा आगे की तरफ, लेफ्ट की तरफ, यहाँ पर है आपका 11 नंबर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आपका भीम बेटी का, भीम बेटी का 12 नंबर है आपका, भीम बेटी का ये कहाँ पर है, ये वाला जो पोर्शन है इसमें यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा सा ये जो लाइनें एक दूसरे को काट रही है उससे थोड़ा सा राइट की तरफ 12 नंबर। फिर आपका है आदमगढ़, आदमगढ़ ये 12 नंबर पॉइंट के थोड़ा सा इधर इसी पोर्शन में 13 नंबर है आदमगढ़, राइट की तरफ है ये थोड़ा, ठीक है, आदमगढ़ हो गया। फिर उसके बाद आप आ जाइए लंगनाज। अब ये लंगनाज कहाँ है, देखिए ये वाला जो इंटरसेक्ट कर रहा था ये वाला पॉइंट है यहाँ पर इस लाइन के थोड़ा सा ऊपर, ये है आपका 14 नंबर। उसके बाद आ जाइए आप 15 नंबर नेवासा। अब ये नेवासा कहाँ है, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ठीक है, नेवासा इसमें थोड़ा लाइन के करीब, ये हो गया आपका 15 नंबर, ठीक है। और फिर उसके बाद है चिरकी, ये चिरकी कहाँ है, 15 नंबर के ठीक नीचे यहाँ पर 16 नंबर, ठीक है, ये हो गया आपका 16 नंबर। अब है आपका रेणुगुंटा। देखिए रेणुगुंटा कहाँ मिलेगा आपको, ये जो रेणुगुंटा है ये मिलेगा आपको यहाँ पर, ठीक है, 17 नंबर पॉइंट है ये, यहाँ लगाया हमने 17 नंबर पॉइंट, ठीक है। उसके बाद है आपका 18 नंबर गुड़ियाम गुफा, तो ये हो गया आपका गुड़ियाम गुफा, ठीक है। उसके बाद है आपका टेरी स्थल। अब ये टेरी स्थल का है ठीक यहाँ पर, तो ये हो गया आपका 19 नंबर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पूरे 19 स्थल जो कि पूर्व पाषाण काल के हैं वो मैंने यहाँ पर बता दिया। अब एक बार फिर से इनको देख लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट था हमारा संगाव, ये रहा 1 नंबर पॉइंट, ठीक है। दूसरा था मेहरगढ़, ये रहा 2 नंबर पॉइंट मेहरगढ़। फिर तीसरा था हमारा रोहिणी हिल, ठीक है, 3 नंबर पॉइंट ये रहा रोहिणी हिल। उसके बाद हमारा 4 नंबर पॉइंट था होकरा, तो ये रहा 4 नंबर पॉइंट होकरा। उसके बाद 5 नंबर पॉइंट था हमारा पुष्कर, जिसको बूढ़ा पुष्कर भी कहते हैं, ये रहा 5 नंबर पॉइंट। उसके बाद छठा था मोगारा, ये रहा 6 नंबर मोगारा। उसके बाद 7वां नंबर हो गया जालोर, 8वां हो गया आपके बागोर, ये रहा 8वां, 5 के जस्ट नीचे बागोर, ठीक है। उसके बाद आपका महादहा, महादहा, ठीक है। 10वां नंबर आपके बेलन घाटी, ये 10, ठीक है, ये 11 बीर भानपुर, 12 हो गया भीमबेटी का, 13 हो गया आपका आदमगढ़, 14 हो गया आपका लंगनाज, 15वां नेवासा, ठीक है, 16वां चिरकी, 17 रेणुगुंटा, 18वां गुड़ियाम गुफा और 19वां हो गया आपके टेरी स्थल। तो ये सारे के सारे 19 स्थल जो कि पूर्व पाषाण काल के हैं ये यहां पर हो गए। अब देखिए इसके बारे में हमने पेपर में पढ़ा था कि 30 शब्द आपको इसमें लिखने होते हैं। अब वो 30 शब्द कैसे लिखने हैं, देखिए क्या है कि इनकी वर्तमान जो स्थिति है, वर्तमान कौन से जिले में, कौन से राज्य में, कौन से देश में ये आते हैं, ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए जो ये आपका संगाव है, संगाव ये रहा आपका संगाव, ये आता है आपका उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत यानी कि पाकिस्तान में। इसको आप नोट करती हुए चलिएगा जो मैं बोलता जा रहा हूं। पहला नंबर संगाव उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत जो कि पाकिस्तान में है, ठीक है। दूसरा आपका दूसरा मेहरगढ़, और तीसरा, दूसरा और तीसरा ये आता है आपके बलूचिस्तान प्रांत में जो कि पाकिस्तान में है। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, यानी 4 से लेकर 8 तक जो है वो आते हैं आपके राजस्थान में, ठीक है। 9वां और 10वां ये आते हैं आपके उत्तर प्रदेश में, 9वां और 10वां ये कहाँ आते हैं आपके उत्तर प्रदेश में। उसके बाद जो आपका 11 नंबर है बीर भानपुर, ये आता है आपके पश्चिम बंगाल में, ठीक है। उसके बाद आप देखिए 12 और 13 भीम बेटिका और आदमगढ़ ये कहाँ स्थित है आपके, ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है, 12 और 13 एमपी में। 14 जो है लंगनाज ये आपके आता है गुजरात में, ठीक है। 15 और 16 दोनों आपके आते हैं ये महाराष्ट्र में, ठीक। 17 नंबर जो है रेणुगुंटा ये आता है आपके आंध्र प्रदेश में, और उसके बाद 18 और 19 नंबर आते हैं आपके तमिलनाडु में। अब देखिए क्वेश्चन में हमने देखा था कि इसमें 30 शब्द लिखने को हमें बोला गया था। अब वो 30 शब्द कैसे लिखने हैं, देखिए स्थल इतने सारे होंगे कि उनके बारे में रटना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप रट कर कितने याद कर लोगे, और रटोगे तो एग्जाम में जाकर भूल जाओगे। तो इसके लिए देखो मैंने ट्रिक क्या निकाली है, ट्रिक कहें या फिर मेरा जो मानना है या मेरा जो व्यू है वो ये है। देखिए पूर्व जैसे आपको दे दिया कि
कि एग्जाम में दे दिया कि इस स्थल को पहचानिए। फॉर एग्जाम्पल 2019 का अगर आप यूपीएससी का पेपर देखेंगे तो वहां पर ये 2 नंबर पॉइंट दिया हुआ है और लिखा हुआ है एक पूर्व पाषाण काल स्थल, ठीक है। तो ये हमको चेक करना है, तो इसको पहचानना है। जैसे देखिए ये वाला आपको पॉइंट दे दिया और इसको आपको पहचानना है। अब इसके बारे में 30 शब्द लिखने हैं। आपने पहचान लिया कि भैया मेहरगढ़ है, अब मेहरगढ़ के बारे में 30 शब्द लिखने हैं। तो 30 शब्द कैसे लिखने हैं, जैसे यहां पर हमने बताया कि मेहरगढ़ बलूचिस्तान प्रांत में है, तो पहले तो ये लिखेंगे कि मेहरगढ़, ठीक है, वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित एक पूर्व पाषाण कालीन स्थल, ठीक है। अब जो मेरा पहला वीडियो था इंट्रोडक्शन वाला, उसमें मैंने पूरे जो विशेषताएं हैं वो सब बताई कि पूर्व पाषाण काल की क्या विशेषताएं थी, मध्य पाषाण काल की क्या विशेषताएं थी, नव पाषाण काल की क्या विशेषताएं थी। तो उन्हीं विशेषताओं में से कुछ एकाद हमको लिख देनी है। जैसे क्या लिखा हमने, मेहरगढ़ वर्तमान बलूचिस्तान, सॉरी, वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित एक पूर्व पाषाण कालिक स्थल, ठीक है। अब हम जानते हैं कि पूर्व पाषाण काल का जो मानव था वो पूरी तरीके से आदि मानव था, शिकारी जीवन जीता था, घुमक्कड़ जीवन जीता था, ठीक है। और उसके जो औजार और जो हथियार थे वो अनियमित आकार के थे, बड़े बड़े थे, ठीक है, और नदी घाटियों में वो निवास करता था। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, एक पूर्व पाषाण कालिक स्थल, यहां यहां पर व्यक्ति का जो जीवन है वो क्या था, आदिम आदिम जीवन जीता था, शिकारी आखेटक जीवन वो जीता था, ठीक है, नदी घाटी में निवास करता था, इसके जो औजार व हथियार थे अनियमित आकार के थे। तो इतना ही अगर आप लिख दोगे तो ये आपके 25 से 30 शब्द हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे ज्यादा हमको नहीं लिखना है। तो ये पूरा का पूरा आप इसको ऐसे मेंटेन करके चलें। अब देखिए कैसे, अब आप कहेंगे कि सर एक ही चीज है, जैसे आदिम जीवन शिकारी जीवन जी रहा है, ठीक है, उसके हथियार बड़े हैं, अगर पूर्व पाषाण काल के इस तरीके के और भी स्थल पूछ लिए गए तो सब में एक ही चीज लिखनी है। नहीं, ऐसा नहीं लिखना है। पूर्व पाषाण काल का जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है उसमें से कुछ और पॉइंट छाटिए, कुल मिला के आप 4-5 पॉइंट आपके तैयार कर लीजिए कि पूर्व पाषाण काल के अगर 2 या 3 स्थल पूछ लिए गए, देखो सारे पूर्व पाषाण काल के स्थल नहीं पूछे जाते, 2 या 3 पूछे जाते हैं, तो 2 या 3 अगर पूछ लिए गए तो उसमें आपको कौन कौन से पॉइंट सम्मिलित करने हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि मेहरगढ़ को नेट पर सर्च करके और भी अगर आपको इसके बारे में कुछ विशेषताएं दिखती है तो वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, हमें इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ओनली 25 से 30 शब्द लिखने होते हैं। देखिए 2.5 नंबर का क्वेश्चन होता है, 1 से 1.5 नंबर तो आपको इसी में मिल जाते हैं कि आपने स्थल को पहचान लिया है। अब स्थल पहचान लिया और बाकी का 1 या 1.5 नंबर या 1.5 नंबर जो है वो हमको लिखने का मिलता है, 1 नंबर जो है हमें लिखने का मिलता है। जब आप इतना लिख दोगे कि वर्तमान कौन से जिले में है, अभी कहां पर है, ठीक है, और इसकी विशेषताएं क्या है, तो ये सब इतना लिखने के बाद आपको 1 में से आधा नंबर तो मिल ही जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है पूर्व पाषाण काल के पूरे स्थलों को कंप्लीट कर सकते हैं। अब एक प्रॉब्लम इसमें यह आएगी कि सर इतने कठिन नाम है, संगाव, मेहरगढ़, रोहिणी हिल, होकरा, पुष्कर, मोगरा, इनको याद कैसे रखना है। तो देखिए याद रखने की क्या ट्रिक है कि इन 19 नामों को आप एक कागज पर लिखकर अपने रूम में चिपका लीजिए और जब इनको रोज देखेंगे तो आप इनसे फेमिलियर हो जाएंगे, ठीक है। जब रोज इनके नाम पढ़ेंगे, देखेंगे, आपकी आंखों के सामने से गुजरेंगे तो आप इनसे फेमिलियर हो जाएंगे और फिर आप इनको इजिली पॉइंट आउट कर पाएंगे। तो देखिए ये हो गया आपका पूर्व पाषाण काल के स्थल, ठीक है। इसी तरीके से आगे और वीडियो आएंगे मेरे, तो अगर आपको मेरा ये मैपिंग का वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।